हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आजकल हमारे गांव में चला है मटर सीज़न, तो हर जगह लोग मटर ही मटर निकाल रहे हैं। और हमारा भी आज लास्ट मटर है, खेत का लास्ट खेत है, बस इसके बाद सारे मटर ख़त्म हो गए हमारे। और आज हमारे साथ कौन है जो मटर निकालने वाला है? टन टन, हेलो बाजी। तो पापा बहुत कम आते हैं घर में। इस साल हमने पापा को खाना खाने बुलाया। खाना मेरे पापा, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो हमने पापा को स्पेशली बोला कि आप सिर्फ खाना बनाने आना, बाकी हम लोग कर लेंगे। तो ये वाला खेत जो है हमारे गांव की बिल्कुल नज़दीक है घर के, तो यहाँ पे पापा हमारी हेल्प करने आए हुए हैं। तो आज पापा भी मटर तोड़ेंगे। अपनी पूरी एंटायर में पापा बहुत कम काम किया हुआ। मटर तो शायद ये पापा का सेकेंड ईयर है कि दूसरी बार है कि ये निकालने आए हुए। इससे पहले बहुत, मतलब 3-4 साल पहले आए थे, तो उसमें मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तब निकाला था। उसके बाद आज है, उसमें भी सिर्फ खाना छोड़ने आते थे पर निकालने नहीं। तो आज हम पापा के साथ निकालेंगे। मम्मी के लिए तो ब्रेकफास्ट हम लेके आए हुए, हम लोग खा के आए थे घर से। दिन को पापा को हम भेजेंगे लंच बनाने। तो ये मेरी फूफा जी और इनका खेत है, वो सामने वाला। मेरी फूफा जी भी आज निकाल रहे हैं। अंचाऊ ऐसे करो तो। हमारी बोली में हम लोग फूफा जी को बोलते हैं अंचाऊ। एंड मम्मी भी आ गई नीचे वाली खेत। संजू भाई भी पधार चुके हैं जो मुझे मटर मार रहे हैं। और आज जो हम खेत बिल्कुल खाली कर देंगे, तो मम्मी जो ये सारा घास निकाल निकाल के एक जगह रखेगी, और पापा एक जगह बैठ के उसको निकालेंगे। संजू भैया हम तीन, एक आदमी पट पट के देगा और बाकी लोग निकालेंगे। चलो कहाँ बैठना पापा? यहाँ बैठो, जहाँ बैठी हूँ मम्मी। फिर यहाँ देंगे आप दो, यहाँ ठीक नहीं है, छाया भी है। खाना बनाने तो आप जाओगे 12 बजे। हमारी माता जी और हमारे भाई जी गए हैं दूसरे खेत में, जिस खेत में हमने पिछली बार निकाली थी मटर, उसको खाली करना, मतलब घास को निकाल के बीजना है फिर। और हमारी देखो भाभी भी आ गई हेल्पर। भाभी और वहाँ निकालेंगे अपने खेत में। ऐसे तो करो। मेरे को ही लाना पड़ेगा, आप नहीं ला सकते? लाओ आजा मटर, आजा मटर। अब क्या करना, अब हमको ही लाना पड़ेगा। तो अब हम बेचते हैं पापा को खाना बनाने के लिए, क्योंकि पापा अच्छा बनाते हैं। एंड 12 भी बज गए, अब भूख भी लगने लगी है। जाओ जाओ चल, को चलो मिक्स डालूंगा शाम के लिए, आटा गूंथ के रखना शाम के लिए।
मुंगे रख देना ना है नहीं कहाँ है वो ऊपर कहाँ है अरे नीचे है नीचे में तो ऊपर है पूरा बड़ा सब नीचे में थोड़ा ठीक है बाय 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 निकलो क्या लाना और दाल चावल अचार घी ये नहीं टिपन टिपन क्यों आ रहा था हाँ एक आदमी टिपन है थाली थाली की ना पांच हम लोग के चार है छः पांच चार का चार दो नीचे दो हम चार छः हो गए ना कभी छः थे हम लोग कभी हम छः थे यार छः छः थाली पांच थाली लाओ पांच हाँ पांच थाली ना एक के लिए है चम्मच पांच थाली पांच चम्मच एक दो कितना चार कप गिलास है तीन गिलास गिलास तो क्या गिलास ये पांच चाय को हो गया हाँ ठीक है गिलास मत लाना थाली लाओ सुपर अचार अचार और अरे बहुत ज्यादा है आप ऊपर खिलाना जाओ 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 ठीक है भाई एक घंटे में आ जाएंगे आप तो मम्मी और भैया तो अभी तक भी नहीं आए तो पापा भी गए अब खाना लाने मैं मेरी भाभी और मेरे अंचाऊ हम लोग चाय पीते हैं तो शीला बोला नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है नहीं नहीं ठीक है मेरे को थैंक यू पूरी मामा नहीं 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 बस बहुत मामी मामी का चाय एंड पापा जी पहुंच गए हैं खाना लेके वो देखो लोअर बोली में किल्टा बोलती है जो पापा चक्के ला रहे हैं और हमारी बोली में हम लोग बोलते हैं कोम्बा आ जाओ आ जाओ 1:30 बज गया एंड अब हम खा लेते हैं खाना अच्छा तो आज तो ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा मटर निकालने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा और अभी हमने पापा को भेज दिया चाय लेके आने के लिए पहले वो लेके नहीं आए ना पता नहीं बड़ी नींद से आ रही है क्योंकि हम लोग कंटिन्यू 29, 30 एक दो तीन तारीख को मैंने निकाला बस चार पाँच तारीख आज पाँच है ना कंटिन्यू निकाल रहे यार अब तो मैं बड़ा मटर को देखते ही गुस्सा आ रहा है कब खत्म होगा अच्छे छः तारीख तक कंटिन्यू निकाल रहे कंटिन्यू भैया कब खत्म हो छाया और देखो जी पापा जी भी आ गए चाय लेके पापा जी क्या लाए चाय और चाय और चाय और गिलास और क्या रस रस थक गए बताओ थक गए मम्मी बोल थी ना चाय बनाने वाले कहाँ चले गए सभी लोग नहीं ला रहे चाय टीरी पिलाओ यार ये कम में दो अब आप आ ही लगे तो चाय पिलाओ चाय ग्राम चाय पी लो भाई चाय पी लो भाई छू गए पापा जी वहाँ छू लीजिए
चाय बाबा। आज का काम हो गया हमारा खत्म, बट मटर भी बचे हुए थोड़े से, बट यही वाला खेत है जो आज लास्ट करना है। आज मम्मी वगैरह को थोड़ा एक्स्ट्रा काम था दूसरे वाले खेत में, वरना ये आज हमारा ज़रूर ख़त्म हो जाता। तो अब है लास्ट पार्ट, इन बोरियों को देना है तोल के कि कितना वेट है वो करके। तो अभी गाड़ी आने वाली है तो मुझे थोड़ी देर यहाँ वेट करना ही पड़ेगा। तो पापा को भेज दिया है घर और वो बनाएंगे खाना, मैं बस जाके खाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल का जो काम था वो हमारा अधूरा रह गया था, तो आज हम लोग फाइनल करके ही रहेंगे। एंड मैं अभी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ मम्मी बरों के लिए, वो खा रहे हैं। आज हमारे साथ संजू भैया नहीं है, आज हमारे साथ है हमारे मदन भैया जो पिछले साल थे, बट इस साल ये आज ही आए हुए। एंड पापा लंच लेके आएंगे। तो आज तो हमारा टारगेट है कि ये वाला खेत हमने कंप्लीट करना ही करना है। एक्चुअली हमको सुबह जल्दी आना था, बट आज सुबह से थोड़ी मौसम ठीक नहीं थी और रात भर बारिश हुई थी, तो खेत वगैरह सारा गिल्ला था, तो इसमें मटर निकालना थोड़ा गिल्ला गिल्ला होता है, तो निकाला नहीं। अभी आए हैं और आज हम एक काम कंप्लीट करके ही रहेंगे। वो तो सारे ना ओ तेरी अरे बोले कहते थे काम तो फाइनली अब जाके हमारा जो मटर है वो खत्म। आई एम सो सो हैप्पी टुडे, बहुत ज़्यादा खुशी में। और बस इंद्र जी भी बहुत खुश है, बारिश हो रही है, वो भी आप बोल रही है आराम करो आराम करो। कंटिन्यू 8 दिन से हम लोग लगातार मटर निकाले, फाइनली अब जाके ख़त्म हो गया। और कल से मेरी छुट्टी, कल तो मैं पक्का जा रही हूँ कहीं 1-2 दिन के लिए घूमने, मेरा बहुत हो गया अब। इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, पिछले बार कम से कम ऐसे 3-4 दिन, 4 या 5 दिन लगे थे शायद, इस बार तो 8 दिन हो रहा है। आज 8 दिन भाई गौर से कब खत्म होएगा लग रहा था, आज तो खत्म होते होते भी ऐसा लग रहा था कि भगवान अब नहीं करना मुझे, अब नहीं करना। बट अब मेरी छुट्टी है, अब मम्मी बिजाई बिजाई करेगी, कल मैं जा रही हूँ, कल तो मैं पक्का जा रही हूँ। एंड पापा जी भी तैयार हो गए अब घर जाने के लिए, उनको जाके खाना बनाना है। फाइनली मटर खत्म हो गया रे रे, फाइनली मटर खत्म हो गया, इतनी खुशी फाइनली मटर खत्म हो गया। अब मम्मी को करेंगे हम टाटा, इतनी खुशी। कब मुझे ऐसा लगता सच्ची कब खत्म होगी, लग रहा है ये कब खत्म होगी। आज तो मैं जागे सांस लूंगी ना चैन की, सुबह तो मैं 6 बजे नहीं उठूंगी, कल तो मैं 8:30-9 बजे उठूंगी। इतने दिन ना 5 ऐसे बजे उठ के ना 5-6 ऐसे। फिर हाँ कल तो मेरे को जाना है सॉरी, और हाथ देखो तो हाथों की हालत इतनी खराब होगी मेरी। बस भाग जाएगा नहीं फिर। जैसे हमारा मटर खत्म हो इंद्रदेव खुश, ऐसा नहीं कि इंद्रदेव 2 दिन पहले बोले कि बेटा आराम करो बारिश, तो नहीं, शाम होते ही बारिश, सुबह होते ही साफ। मटर खत्म तो मटर सीजन में हमारा खत्म हो गया है, हमारा वाला गांव में अभी भी है लोगों के और है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है खुशी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं बगनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।